क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे। वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपोजिट रिएक्शन क्यों बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, इसको हम जानते हैं और इक्वेशन भी इसकी लिखेंगे। आंसर, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक कंपाउंड दो से ज्यादा एलिमेंट्स बनाएगा, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। मतलब यहाँ पे क्या होता था, दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते थे। एग्जांपल से समझते, पहला मैं एग्जांपल लूंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। यहाँ पे मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO, ये 3 है यहाँ पे, इसको मैंने रिएक्ट करवाया। रिएक्ट मतलब यहाँ पे हीट किया। हीट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा अलग हो जाएगा, प्लस हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड हमारा अलग हो गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया है। तो ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा आ गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे एक कंपाउंड मिलके क्या बना रहे हैं, दो एलिमेंट्स बना रहे हैं। सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस को क्या करूँगा, मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बनेगा, वाटर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं 2H2O कर दूंगा, तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया और यहाँ पे हमारा ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये हमारा किस में आ गया, ये हमारा है कॉम्बिनेशन में। किस में हमारा, ये कॉम्बिनेशन में है, और ऊपर वाला जो है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब हम बढ़ते अपने